देपालपुर क्षेत्र के बैठमा में विधायक विशाल पटेल द्वारा आयोजित विश्व विख्यात कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा के सोमवार को विराम दिवस में करीब 1,00,000 की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अंतिम दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने शासन प्रशासन सहित सभी का धन्यवाद दिया। अंतिम दिन अपनी कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कथा करने वाले वक्ता समझाने आए और समझ गए तो ठीक, उसकी कही बातों से अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो वक्त उसे सुधार देता है जो बहुत भारी पड़ता है और फिर वह आंसू ही बहाता है और सोचता है मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। वहीं उन्होंने घर में बैठी होने के महत्व को भी समझाया। कथा के अंतिम दिन में विधायक रमेश मेंदोला, संजय शुक्ला, बाल मुकुंद सिंह गौतम सहित कई नेतागण भी पहुंचे। कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ की पूजा व आरती विधायक परिवार जनों ने की। इस सकल आयोजन में बैठमा वासी भक्तों की पिछले एक सप्ताह से कई जगह अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे थे। विधायक विशाल पटेल ने अंतिम दिन मंच से बैठमा के पुलिस प्रशासन, व्यापारियों, दुकानदारों, मीडिया व सभी कार्यकर्ताओं की टीम को इस पूरी व्यवस्था संभालने के साथ नगरवासी शिव भक्तों को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आपको समझा रहे हैं जो वक्ता से समझ गया तो ठीक है, वक्ता से समझ कर, कथाकार से समझ कर आपने मंदिर जाना प्रारंभ कर। एक बेटा एक कुल को ताकता है, बेटी दो कुल को ताकती है। साधारण में सम्मान करना सीखो बेटियों का, घर में रहने वाली बेटी का आदर करना सीखो, सत्कार करना सीखो। जिस दिन कई घर ऐसे हैं जिन घर में बेटियों का आदर नहीं होता, एक बार शादी कर दी माता पिता बेटी को कुछ देर तक नहीं होता। मेरा निवेदन है एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख ले, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। कभी नहीं नहीं उसका आदर होगा। केवल नवरात्रे में देवी के दिनों में नवरात्रे में केवल बेटियों को ढूंढने से अच्छा है उस बेटी का आदर करना प्रारंभ करो। किसी बेटी को तुम कुछ दो ना दो, किसी बहन बेटी को तुम कुछ दो ना दो, और इतना याद रखना उस बेटी को माँ अपने गर्भ में भी जगह दे और जब बड़ी हो जाए तो अपने दिल में भी जगह दे। कुछ तो और उसका रक्षा सुरक्षा और उसका सम्मान आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।